चलिए बात करते हैं कि किस तरह से हम स्केचर के अंदर स्केच क्रिएट करेंगे। तो आई पिक फर्स्ट दिस प्लेन, आई एम मूविंग इन स्केचर। स्केचर में आ गए हम। तो ये कुछ टूल्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए, जो ड्राइंग क्रिएट करने में आपकी मदद करेंगे। दीज आर स्केच टूल, ऑपरेशंस, प्रोफाइल, कंस्ट्रेंट्स, वर्कबेंच। नाउ अगर आप देखें यहाँ पे, तो दिस इज प्रोफाइल। प्रोफाइल टूल बार वहां काम आता है जहां पर आप किसी भी चीज को ड्रॉ करेंगे। जैसे कि अगर रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप यहां से रेक्टेंगल ड्रॉ करना कर सकते हैं। सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं किसी पोजीशन पर, सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। और बहुत सारी एंटिटीज हैं, जैसे आपके पास यहाँ भी एंटिटीज हैं, तो इस तरह की एंटिटीज आपके काम आएंगे किसी भी चीज को ड्रॉ करने के लिए। नाउ कुछ ड्रॉ की हुई चीजों को अगर आप मॉडिफाई या ऑपरेशन करना चाहते हैं उनके ऊपर, जैसे कि मैं यहाँ पिक कर रहा हूँ, मैं इसको यहां से लेकर यहां तक फिलेट करना चाहता हूं, मतलब ड्रॉ की हुई ऑब्जेक्ट के अंदर ही आप ऑपरेशन क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज फिलेट। अगर मैं कुछ ट्रिम करना चाहता हूं, तो अगर आप यहां देखें तो आई ट्रिम दिस। अगर आप ट्रिम कर रहे हैं, ये देखिए, आप यहां से ट्रिम कर सकते हैं जैसे आपकी मर्जी। सो दिस इज हाउ वी डू अ काइंड ऑफ ऑपरेशन सर। अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज को यहां मिरर करना चाहता हूं, इसके अबाउट मिरर करना चाहता हूं, तो अगर आप देखें मैं इसको यहां से पिक कर रहा हूं, मिरर की ऑप्शन ले रहा हूं। सो बनी हुई चीजों के अंदर ही आप कुछ ऑपरेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन टूल बार। नाउ अगर आप यहां देखें तो इन सारे टूल बार्स को अभी अगर आप किसी भी डायमेंशन के अंदर, अभी डायमेंशन में नहीं है, तो डायमेंशन के अंदर अगर आपको इनको बांधना है, कंस्ट्रेंट करना है, तो आप कंस्ट्रेंट टूल बार को यूज करेंगे यहां से, ताकि आप इनको डायमेंशन दे सकें। ये देखिए यहां से मैं आई एम गिविंग हिम देम द डायमेंशन। इनको जो रिक्वायर्ड डायमेंशन चाहिए आप वो सारी डायमेंशन यहां से प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप यहां पर देखें तो जब भी आप कोई भी टूल लेते हैं, तो जैसे मैं यहां पर ये टूल ले रहा हूं, प्रोफाइल में प्रोफाइल ले रहा हूं, तो ये एक अलग पूरी टूल बार खुल जाएगी आपके पास। तो ये आपको बता रही है कि इसी टूल के अंदर आप लाइन भी बना सकते हैं, ट्राइटेंजेंट आर्क भी बना सकते हैं, थ्री पॉइंट आर्क भी बना सकते हैं। और ये ग्रिड्स, अगर आप ग्रिड्स को बंद करना चाहें तो ग्रिड्स को बंद भी कर सकते हैं। अगर आप देखें कि यहां पे ये दिस इज फॉर कंस्ट्रक्शन, मान लीजिए कि मैं ये लाइन सिर्फ कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए यूज करना चाहता हूँ, आई पिक दिस एंड आई क्लिक दिस, तो ये लाइन कंस्ट्रक्शन में बन जाएगी। सो दीज आर द टूल्स विद द हेल्प ऑफ विच वी क्रिएट ड्राइंग्स। इन टूल्स की मदद से हम लोग ड्राइंग्स क्रिएट करेंगे। अगर आप यहां देखें तो वी हैव एग्जिट वर्क बेंच, इसको क्लिक करेंगे आप वर्क बेंच से एग्जिट कर जाएंगे। नाउ ये टूल बार आप अपनी सहूलियत के हिसाब से रख सकते हैं। जैसे स्केच टूल एक लंबी टूल बार खुलती है, तो आई मेंशन कि मैं इसको यहां रख देता हूं। कंस्ट्रेंट्स को आई वांट कि ये यहां रखा जाए, तो मैं इनको यहां पे ड्रैग करके रख सकता हूं। नाउ मैं चाहता हूं वर्क बेंच मेरा यहां रहे, यहां यहां चला गया। वर्क प्रोफाइल आप यहां रखना चाहते हैं तो यहां रख सकते हैं। ऑपरेशंस मैं चाहता हूं मैं यहां रख दूं। सो दिस इज हाउ आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इन सारे टूल्स को रख सकते हैं। नाउ अगर आप देखें तो यहां पर ये सारे टूल्स आपको ऐसे भी अवेलेबल हो जाएंगे। दीज आर द कंस्ट्रेंट्स, ये प्रोफाइल्स की सारी चीजें जो हैं वो आपको यहां पर अवेलेबल हैं, और ऑपरेशन से रिलेटेड सारी चीजें आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएंगी। नाउ इसका मतलब यहां पर ये प्रोफाइल, कंस्ट्रेंट, ऑपरेशन काफी इंपॉर्टेंट चीज है। सो अब हम अगले ट्यूटोरियल्स में ये जानेंगे किस तरह से प्रोफाइल्स की मदद से हम लोग ये सारी ड्रॉइंग एंटिटीज को बनाएंगे, और ऑपरेशंस की मदद से हम उनको ऑपरेट करेंगे, किस तरह से ट्रिम करेंगे, मिरर करेंगे, रोटेट करेंगे, स्केल करेंगे, और किस तरह से उनको कंस्ट्रेंट एक डायमेंशंस में बांधेंगे। सो द नेक्स्ट ट्यूटोरियल इज अबाउट हाउ वी यूज प्रोफाइल, किस तरह से हम प्रोफाइल यूज करेंगे एक किसी भी ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए।